साहिल साहब चाहते थे मेरे को मैंडेट मिली कांग्रेस। देखिए क्यों नहीं, कौन नहीं चाहता है कांग्रेस? देखिए क्यों नहीं, कौन नहीं चाहता है? आपको मैंडेट नहीं मिला इसलिए आपने मलिक साहब का साथ। देखिए ये सारे सारा ये सच नहीं, देखिए ये सारे सारा ये सच नहीं। और मैं तो पैनल में था, मेरा सीरियल नंबर वन। और आज का जो अलायंस नहीं है, अलायंस नहीं है मोर में। मेरे साथ इसराइल साहब बातचीत करने के लिए मौजूद है, डीडीसी भी हैं आप मौजूदा दौर पर। एक अहम सवाल आपसे पूछने की कोशिश करूंगा, आम लोगों से जो हमने पूछने की कोशिश की, कह रहे हैं मलिक साहब ने आपको डीडीसी में सपोर्ट की, आज आपने मलिक साहब का साथ छोड़ दिया, ये क्यों? देखिए मलिक साहब ने सपोर्ट की, हमारा अलायंस था, हमने मलिक साहब की सपोर्ट की और मलिक साहब ने हमारी सपोर्ट की थी। और थोड़ी सी मलिक साहब को मुश्किल थी उस इलेक्शन के बीच में जो डीडीसी बनते हुए, हमें भी जरूरत थी, ऐसी बात नहीं, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन मलिक साहब को हमसे ज्यादा जरूरत थी और थी, अलायंस था, अलायंस में उन्होंने हमारी हेल्प की, हमने उनकी हेल्प की और उनको भी फायदा हुआ, हमें भी फायदा हुआ। और आज का जो अलायंस नहीं है, अलायंस नहीं है मोर में, देखिए जो मेरा अलायंस नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो ये चीज है कि यहाँ पर एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि किस तरह से अलायंस होना चाहिए और किस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस पार्टी का कैंडिडेट लड़े, कि जहां पर पिछली बार जहां पर कांग्रेस का अगर कोई कैंडिडेट जीता हुआ था वहां इस बार भी कांग्रेस को मिलना चाहिए था, जहां एनसी का जीता हुआ था वहां एनसी को मिलना चाहिए था। और उसके खुर्शीद साहब को उसके बाद ये क्राइटेरिया है कि वहां जो है वो जो पार्टी ताकतवर है उसको मिलना चाहिए था, लेकिन ये दोनों चीजें जो है वो पार हो गई। और उसके बाद हमने अपने वर्कर्स से जो मीटिंग ली और मीटिंग्स के बीच में यहाँ पर एक चीज साबित पाई गई कि हमने कांग्रेस के जितने हमारे वर्कर्स हैं, जितने साथी हमारे थे, उनसे बात की गई और उन्होंने उनमें से किसी एक ने भी जो है अलायंस कैंडिडेट का साथ देने से इनकार कर दिया। सबसे मैं एक बात ये करूंगा कि जब कोई भी वहां पर मेरा वर्कर तैयार नहीं है जाने के लिए और मैं अकेला जाकर के खड़ा हो जाऊं तो उसका कोई फायदा उनको नहीं पहुंचने वाला नहीं। देखिए ये वक्त बताएगा, मैं ये चीज नहीं कहता हूं, और मैंने कहा था कि यहां पर कांग्रेस एक ताकतवर पार्टी थी और एक बड़ी पार्टी। यहां लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि आप चाहते थे मेरे को मैंडेट मिले। हां जी, लोग कह रहे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहिल साहब चाहते थे मेरे को मैंडेट मिले कांग्रेस। देखिए क्यों नहीं, कौन नहीं चाहता है? और मैं तो पैनल में था, मेरा सीरियल नंबर वन। आपको मैंडेट नहीं मिला इसलिए आपने मलिक साहब का साथ? देखिए ये सारे सारा ये सच नहीं है, सच ये है कि हमारे जितने भी वर्कर्स हैं उन्होंने अलायंस कैंडिडेट का साथ देने से इनकार कर दिया और हमें भी हमारी मजबूरी बनी कि हम जो है उनको कांग्रेस के उन जो वर्कर्स हैं उनकी बात हम माने, क्योंकि वो जब ना माने और मैं अकेला जाकर के खड़ा हो जाऊं तो ये मेरे लिए मुनासिब नहीं था। देखिए यहाँ आपने कल यहाँ पर एक रैली हुई जो अलायंस कैंडिडेट की, हालांकि मेरे बहुत से साथी जो है वो अलायंस के साथ वहाँ खड़े भी हैं, अलायंस के कैंडिडेट की कल रैली हुई है और यहाँ के एजाज खान की रैली करने का कोई मंसूबा था ही नहीं पहले, जब यहाँ रैली हो चुकी उसके बाद जो है फोन लोगों ने करने शुरू किया कि हम भी करना चाहते हैं, और चंद घंटों की एक्सरसाइज से लोगों ने अपनी गाड़ियां लेकर के यहां पहुंचे और ये इतनी बड़ी रैली जो है मुनक्कद हुई है। अब आप इसी से अंदाजा जो है फील्ड का कर लीजिए कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। सीधी बात कही है, लोगों का तेवर देख लीजिए किस तरफ है तेवर, यहाँ फील्ड बता रहा है। अभी इस फील्ड के जो लोग हैं उनको अगर एक दिन पहले से पता होता, एक दिन पहले से कि ये रैली या इस किस्म का करना है, तो यहाँ शायद कोई आदमी इसके बीच में उतर करके हम लोग बीच में ना जा सकते यहाँ पर। हमारे साथ इसराइल साहब बात कर रहे थे, हमारा सवाल सबसे बड़ा ये था, मलिक साहब का साथ छोड़कर आखिर एजाज खान साहब के साथ, एक छोटी सी पेशकश महोर।